Menopause is Mother Nature's way of saying, hey, you've reached a new chapter of your life. Menopause आपको usually आपके late 40s या फिर early 50s में hit करता है और अपने साथ बहुत सारे changes लेके आता है. And one of those changes is saying goodbye to your periods. Hello everyone, welcome back to our channel. और आज हम लोग एक बहुत ही important topic discuss करने वाले हैं. Especially for all the women who are going to attain menopause soon or are already in their menopause phase. Menopause, this period को bye bye बोलना नहीं है. According to health experts, menopause is a hormonal roller coaster that can affect your health in many ways. Your estrogen level dips, which can affect your heart health, your bone density, your sex life, and even your mood. Yes. तो अगर आप लोग मेनोपॉज के फेज में हैं, इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न अबाउट द 6 सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज. मेनोपॉज का पहला सिम्टम है फीलिंग टायर्ड. एक्सपर्ट्स का कहना है कि मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस और वेट गेन के कारण आप लोग थका थका महसूस कर सकते हैं. दिन भर थकावट महसूस हो सकती है. बट दैट डजेंट मीन दैट यू हैव टू बिकम अ जिम जंकी ओवरनाइट. आपको जिम जाके हैवी वेट लिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट अ लिटिल मूवमेंट गोज अ लॉन्ग वे. आप लोग ब्रिस्क वॉक यानी कि तेजी से चलना, योगा और डांस भी कर सकते हैं. आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट कीपिंग दोज जॉइंट्स लिम्बर एंड दोज मसल्स स्ट्रॉन्ग. मेनोपॉज का दूसरा सिम्टम है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी. मेनोपॉज के टाइम पे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है और आपका हेल्दी डाइट पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो मेक श्योर यू फोकस ऑन फूड्स रिच इन विटामिंस, कैल्शियम टू मेक दोज बोन्स स्ट्रॉन्ग. ऑल्सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें क्योंकि दे आर पैक्ड विद स्टफ योर बॉडी क्रेव्स फॉर. और पानी पीना ना भूलें. पानी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें. हम लोग समझते हैं कि कभी कभी हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी इन मेनी वेज. इट विल हेल्प यू विद अ गुड स्किन, विद गुड डाइजेशन एंड द ओवरऑल वेलबींग ऑफ योर हेल्थ. मेनोपॉज का तीसरा सिम्टम है स्ट्रेस. अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स, मेनोपॉज के दौरान स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है. लाइफ कैन गेट प्रिटी हेक्टिक, राइट? सो वेदर इट्स थ्रू मेडिटेशन और हॉबीज और योगा और स्पेंडिंग टाइम विद अ लव्ड वन, फाइंड वेज टू रिलैक्स एंड डी स्ट्रेस. मेनोपॉज का फोर्थ सिम्टम है हॉट फ्लैशेस. तो मेनोपॉज के दौरान या मेनोपॉज के चलते हॉट फ्लैशेस का होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है. इसमें आपको बहुत गर्मी लगने लगती है और पसीने आने लगते हैं और कभी कभी तो आपको सोने में भी प्रॉब्लम आने लगती है. तो डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको मैनेज करने के लिए, हॉट फ्लैशेस को मैनेज करने के लिए आप लोग मेडिटेट कर सकते हैं या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं. और अगर आप लोग स्पाइसी फूड या स्मोक करते हैं, यू नीड टू स्टॉप इट टू अवॉइड हॉट फ्लैशेस. द फिफ्थ सिम्टम ऑफ मेनोपॉज इज लॉस ऑफ लिबिडो. मेनोपॉज के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होने के कारण सेक्स करने का या इंटीमेट होने का मन नहीं करता है और काफ़ी विमेन वेजाइनल ड्राइनेस होने के कारण सेक्स लाइफ एंजॉय नहीं कर पाती हैं. इसके लिए आप किसी लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट अगर आपको फिर भी ये चीज़ हेल्प नहीं करती है तो इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. द सिक्स्थ सिम्टम ऑफ मेनोपॉज इज यूरिनरी लीकेज. According to the research, around 50% of women go through urinary leakage at the time of menopause. Menopause के दौरान हमारी muscles थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से अगर हम लोग छींकते हैं, खांसते हैं या ज़ोर से हंस भी देते हैं तो urinary leakage होने के chances थोड़े बढ़ जाते हैं. डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आपको यूरिनरी लीकेज से डील करना है तो उसके लिए हमें अपना वेट लॉस करना ज़रूरी होता है, ताकि हमारे ब्लैडर पे और हमारी मसल्स पे कम जोर पड़े और कम वज़न आए. और इसके साथ साथ हम लोग बहुत सी पेल्विक एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन आर पेल्विक मसल्स. मेनोपॉज के सिम्टम्स से डील करने के लिए आपको ये टिप्स भी काम आएंगी. स्टे सोशल, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, जिससे कि आप मेंटली हैप्पी रहें. और जब आप सोशली लोगों से कनेक्ट करते हैं तो आप ओवरऑल भी हैप्पी रहते हैं. रेगुलर चेकअप्स पे जाएं, अपनी डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स को मिस ना करें. और अगर आप ये भी याद रखें कि अगर आप अपनी हेल्थ पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, बट बिल्कुल सही है. ऑल्सो अपने डॉक्टर्स को विजिट करने से आपको अपनी बीमारी का रूट कॉज पता चलेगा एंड योर डॉक्टर विल ऑलवेज help you to be on the glowing path of your health.
So there you have it. Always remember to take care of yourself and enjoy this beautiful phase of life to the fullest. If you found these tips helpful, do not forget to give us a thumbs up and subscribe to our channel for more such relaxed and healthy discussions. Also, drop down your comments and experiences in the comment section below because we love hearing from you. Until next time, take care and stay healthy.